असल डर स्टूडेंट्स स्टार अकेडमी लामा इकबाल टाउन लाहौर के ऑनलाइन पोर्टल पर आज का हमारा फ्री कंटेंट का टॉपिक है अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स यू के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आज आप इसका लेक्चर बड़े ध्यान से सुने और उसके बाद आपने एम सी क्यूज अटैम्प्ट करने हैं तो अनसर्टेनिटी क्या होती है अनसर्टेनिटी जिसे उर्दू में गैर यकिन कहते हैं इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी मेजरमेंट टेंटी इज प्रेजेंट इन एवरी मैयरमेंट ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इट इज प्रेजेंट इन एवरी मैयरमेंट ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या लिमिटेशन होती है इंस्ट्रूमेंट की उसका लीस्ट काउंट दुनिया के हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है लीस्ट काउंट क्या है वो कम से कम मयरमेंट जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल ठीक ले सकते हैं मीटर आर्ट जो है मीटर आर्ट का लीज काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है अगर आपकी लेंथ इससे छोटी है तो आपको वहाँ पे अंदाज़ा लगाना पड़ेगा तो जब आप अंदाज़ा लगाएंगे तो वहाँ पे एरर डेवलप हो जाएगा तो अनसर्टेनिटी इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ एरर अब इससे अगर आप चले जाएं दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे वर्नियर कैलीपार पे, तो वर्नियर कैलिपर जो है इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर अगर लेंथ हमारी इससे भी छोटी होगी तो यहाँ पे भी अनसर्टेंटी डेवलप हो जाएगी और इससे भी अगर आप बेटर इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल मेजरमेंट कर सकते हैं दैट इज स्क्रू गेज तो स्क्रू गेज जो है इसका लीस्ट काउंट होता है ज़ीरो पॉइंट डबल ज़ीरो वन सेंटीमीटर तो इससे अगर लेंथ इसमार है तो ये इंस्ट्रूमेंट भी फेल हो जाता है और यहाँ पे भी एरर डेवलप होगा इससे अगर आप मजीद देखें तो एक और इंस्ट्रूमेंटल लेंथ मेजर करने का माइकल सन इसका लीस्ट काउंट है टेन की पावर माइनस फाइव सेंटीमीटर जिसे आप ज़ीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर लिख सकते हैं तो अगर लेंथ इससे भी स्मॉल हो गई है दैन हमें फिर अंदाजा लगाना पड़ेगा तो इट मींस दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट नहीं है हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीज काउंट है आप टाइम मेजर करने जाएंगे तो कुछ आपकी जो रिस्ट वॉच हैं वो आपको एक सेकेंड की मेजरमेंट दे रही है मिनिमम फिर थोड़ी सी अच्छी वॉच होंगी वो एक सेकेंड के हंड्रेड पार्ट तक मेजरमेंट दे देती हैं स्टॉप वॉच वगैरह और मे बी मिली सेकेंड तक मेजरमेंट आ जाए माइक्रो सेकेंड तक लेकिन जब टाइम स्माल होता जाएगा तो आपकी इंस्ट्रूमेंट जो है वो वहां पर फेल होना शुरू हो जाएगा तो हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिटेशन है और लिमिटेशन जिस इंस्ट्रूमेंट की होती है तो इसका मतलब वहां पर आपका अंदाजा लगाना पड़ेगा जब आप उस लिमिटेशन लिमिटेशन वैल्यू से नीचे जाएंगे यानी लीज़ काउंट से नीचे जाएंगे तो अनसर्टेनिटी इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ एरर सो अनसर्टेनिटी इज एक्चुअली एन एरर और अनसर्टेंटी होती है थ्री टाइप्स की एब्सलूट अनसर्टेंटी जो कि प्लस माइनस लीस काउंट के, के बराबर होती है इंस्ट्रूमेंट के यानी जो मैक्सिमम एरर जो आप कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से वो उसके लीस काउंट के बराबर हो सकता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता आप कह रहे हैं कि मैंने मीटर आर्ट से मेजरमेंट ली और मेरे पास एरर जो है वो टू सेंटीमीटर का आ गया दैट विल बी नॉट पॉसिबल ये ये आपका फॉल्ट है इंस्ट्रूमेंट का एरर नहीं है इंस्ट्रूमेंट जो है उससे आपको मैक्सिमम लीज काउंट यानी या तो पॉइंट वन ज़्यादा हो सकता है उससे रीडिंग से एक्चुअल से या पॉइंट वन कम हो सकता है तो ये टू सेंटीमीटर में आपका पर्सनल नेग्लिजेंस शामिल है इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट नहीं है इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम प्लस माइनस लीज काउंट के बराबर आपका जो है वो अनसर्टेंटी होती है और इसको हम एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं ये दोनों एक ही चीज के डिफरेंट नाम है सिमिलरली नेक्स्ट टाइप होती है इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेंटी दैट विल बी इक्वल टू लीज काउंट ओवर मैयर्ड वैल्यू और इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं इसके बाद आ गया परसेंटेज अनसर्टेनटी स्टूडेंट्स परसेंटेज अनसर्टेनटी किसके बराबर होती है इसकी जो थर्ड टाइप है लीस काउंट ओवर मयर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड और इसको हम परसेंटेज एरर भी कहते हैं अब प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का कंसेप्ट आपने पढ़ा है तो प्रिसाइज मयरमेंट वो होगी प्रिसाइज मेजरमेंट विच हैज लेस एब्सलूट अनसर्टेंटी जिसको हम एब्सलूट एरर भी कहते हैं और एक्यूरेट मेजरमेंट वो होगी जिसके अंदर फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो तो एक्यूरेट मेजरमेंट जो है इट हैज लेस परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वैसे प्रिसीजन का मतलब होता है मईमेंट्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर सपोज करें आपके पास वैल्यू ऑफ जी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया आपने तो आपके पास रीडिंग्स आ रही हैं 10.1 10.2 10.3 ये थ्री रीडिंग्स दी आपने एक स्टूडेंट ए ने एक और स्टूडेंट बी है उसने रीडिंग ली 9.8, 10.4, 9.3. तो इसकी मेजरमेंट स्टूडेंट ए की क्लोज है एक दूसरे के सो इट इज मोर प्रिसाइज लेकिन इसकी एक दूसरे के क्लोज नहीं है तो ये लेस प्रिसाइज है तो प्रिसन का मतलब होता है क्लोज टू ईच अदर और एक्यूरेट का मतलब होता है कि जिसमें लेस एरर हो क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू लेकिन हम इसकी जजमेंट कहाँ से करते हैं हम इसकी जजमेंट करते हैं रीडिंग के थ्रू कि अगर एब्सलूट अनसर्टेनिटी या एब्सलूट एरर कम हो जो कि प्लस माइनस लीस काउंट के, के बराबर होता है तो वो मेजरमेंट जो है वो प्रिसाइज होगी मोर प्रिसाइज होगी और अगर फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर कम हो तो वो मोर एक्यूरेट होगी तो अब स्टूडेंट्स इस आइडिया को हम अप्लाई करते हैं ऑन असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी कि अगर आपके पास कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं सब्जेक्ट कर रहे हैं जारी बात है आप फार्मूला यूज़ करते हैं ओम्स ला का वीज इक्वल टू आई ओवर आर तो डिफरेंट फार्मूलेज हैं एफ सीज इक्वल टू एम वीवर आर तमाम रिलेशन हैं तो कोई भी फार्मूला जब आप यूज़ करें तो उसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होती है एडिशन भी हो रही होती है सब्ट्रैक्शन भी हो रही होती है तो उसके एक प्रॉपर रूल्स हैं एंड यू मस्ट नो दैट रूल्स और उन रूल्स की बेस पे फिर एम सी क्यूज़ आपसे पूछे जाते हैं तो एम सी क्यूज़ भी हम साथ साथ करेंगे और फिर जब आपको ये तमाम रूल बिल्कुल याद हो जाएंगे तो आपके लिए ये एम सी क्यूज बिल्कुल बहुत आसान लगेंगे तो फॉर एडिशन एंड सब्रैक्शन जब आप दो वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा रूल ये कहता है आपको कि एब्सलूट अनसरटेंटीज आर एडेड एब्सोलूट अनसर्टीज आर एडेड ये रूल है एबसलूट अनसरटेंटीज आर एडेड अब एब्सोलूट अनसरटेंटी क्या होती है यहां से देखें जरा ये तो प्लस माइनस लीस काउंड के बराबर होती है इसी को एब्सुलूट एरर भी कहते हैं सो इट मीनस लीस्ट काउंट ऐड हो जाएंगे दोनों के तो स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कैमसिक क्यूज़ करते हैं हमारे पास दो मेजरमेंट्स हैं एक्स वन जो कि मीटर आर्ट से मेजर की गई उसकी रीडिंग है 10.5 प्लस माइनस मीटर आर का लीस्ट कौन कितना होता है 0.1 तो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ये फर्स्ट मेजरमेंट थी जो मीटर आर से ली गई और सेकंड मेजरमेंट है X2 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर अच्छा ये जो अब इसमें आपको फ़र्क करना आना चाहिए दिस इज मैयड वैल्यू एंड दिस इज लीस्ट काउंट तो हर रीडिंग जब आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो पहले मैयड वैल्यू होगी और बाद में लीस्ट काउंट आएगा सो so, अब एम सी क्यूज ये है कि बताए एक्स टू माइनस एक्स वन में कितनी आंसर ट्वेंटी होगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हम x2 यानी 26.8 सिक्स पॉइंट वैल्यू में से 10.5 को माइनस कर देंगे वो अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाता है 16.3 प्लस माइनस उसी तरह आ गया लीस्ट काउंट ने हमेशा ऐड होना है चाहे वैल्यूज आपकी मल्टी सबट्रैक्ट हो रही हों या ऐड हो रही हो। लीस्ट काउंट ने हमेशा ऐड होना है एडिशन सब्रेक्शन का सेम रूल है ये आपके लिए फायदा है कि एडिशन सप्रेक्शन का भी सेम रूल है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी सेम रूल है सो so, आपके रूल्स थोड़े से कम हो गए हैं आपको याद करने में कन्वीनियंट होगा तो इसलिए हमेशा ऐड होना है तो यह ऐड होगा तो जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर आ जाएगा इसी तरह अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लेता हूं तो मैय वैल्यू मयड वैल्यू से प्लस हो जाएगी इनको ऐड करें तो ये बन जाता है थर्टी सेवन पॉइंट थ्री लीस काउंट अभी भी ऐड ही होंगे दैट इज जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर सो दिस इज द एरर इन एडिशन एंड सेम इज द एरर इन सब्रैक्शन स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इसी का सब पार्ट है फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है रूल क्या कहता है हमें रूल हमें यह कहता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड जब आप दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड इन्होंने हमेशा ऐड होना है तो परसेंटेज क्या होती है लीज काउंट और मैर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड दिस इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफेंडिटी और इसी को हम कहते हैं परसेंटेज एरर। सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कैमसिक यूज करते हैं हम इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एम जस्ट अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग करने के लिए जो है वो हम साथ उसके अटैच करते हैं क्योंकि जब आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो फिर आप उस जैसे तमाम एम सी सॉल्व कर सकते हैं सो स्टूडेंट्स एम है हमारा कि वोल्टेज जो है मैयर की हमने तो उसकी क्वेश्चन है 5.2 पॉइंट प्लस माइनस 0.1 वोल्ट तो इसमें बेटा ये मैय वैल्यू है और ये आपके पास लीस्ट काउंट है तो स्टूडेंट्स करंट की इक्वेशन है 0.84 प्लस माइनस 0.505 पॉइंट तो ये स्टूडेंट्स ये मैय वैल्यू है और ये है लीस्ट काउंट इसका ये मेजर वैल्यू है और ये है लीस्ट काउंट सो बताएं रेजिस्टेंस में कितना एरर आएगा रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी ओवर आई तो रूल हमें ये कहता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड तो अगर परसेंटेज एरर निकालना है हमने आर में दैट विल बी इक्वल टू परसेंटेज वी प्लस परसेंटेज आई ये रूल है ये एरर के लिए कि आर में कितने परसेंट एरर है आर की वैल्यू तो फार्मूले से मैं आप देखेंगे अगर वैल्यू डिवाइड हो रही है या मल्टीप्लाई हो रही है उनकी परसेंटेज अन हमेशा आप ऐड करेंगे सो so हमारे पास मेन स्टेप क्या है कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज अनसर्टेंटी तो परसेंटेज वी निकालना है पहले तो रूल ये है हमारे पास परसेंटेज ऑफ इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑवर मेजर्ड वैल्यू तो लीस्ट काउंट है बेटा यहां पे 0.1 तो परसेंटेज अनसर्टेंटी आ गई बल्कि परसेंटेज वी लिखे आप उसको शॉर्टकट करने के लिए सो परसेंटेज वी आ गया हमारे पास मयड वैल्यू है हमारे पास 5.2 पॉइंट टू लीस काउंट है 0.1 पॉइंट वन सो ज़ीरो पॉइंट वन ओवर फाइव पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो ये तकरीबन टू परसेंट आ जाता है परसेंटेज आई निकालनी है तो लीस काउंट है 0.05 और मैज वैल्यू है 0.84 तो ये आ गया परसेंटेज आई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव ओवर जीरो पॉइंट एट फोर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ये तकरीबन आ जाती है सिक्स परसेंट अब हमने परसेंटेज आर निकालनी है तो फार्मूला तो ये बन गया कि इन दोनों परसेंटेज परसेंटेजेंटीज को ऐड करेंगे क्यों करेंगे भाई हमें रूल ये कहता है कि जब आप की वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो परसेंटेज अनसर्टेंटीज हमेशा क्या होंगी ऐड होगी सो लेट्स ऐड दैम सो परसेंटेज एरर आर में आ जाएगा टू परसेंट प्लस सिक्स परसेंट यानी कि एट परसेंट सो इन दिस वे आप ट्रीट करेंगे किसी भी इस किस्म के फॉर्मूले को यहीं से अगर मैं आपसे पूछ लूं सेम डाटा से कि पावर के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है तो पावर का बेटा फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू वी आई तो परसेंटेज पी आ जाएगा परसेंटेज वी प्लस परसेंटेज आई क्योंकि रूल मल्टी इधर वी और आई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन का भी वही रूल है डिवीजन का भी वही रूल है तो इनको अगर आप ऐड करें तो ये आ जाएगा टू परसेंट प्लस सिक्स परसेंट ये भी एट परसेंट आ जाएगा ये मैं एरर बता रहा हूँ अगर आपको रिजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का कहा जाए तो वैल्यू कैसे निकालेंगे मयरड वैल्यू को मयर वैल्यू से डिवाइड कर दें मतलब वी ओवर आई करना है आपने तो आर आ जाएगा वी ओवर आई वी कितना है हमारे पास 5.2 पॉइंट टू आई आ गया 0.84 इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर 6.2 पॉइंट टू हम आ जाता है यह मेजर वैल्यू है इट्स नॉट एरर एरर आपका परसेंटेज आंसर को ऐड करने से आएगा नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा टॉपिक है इसी का सब टॉपिक फॉर पावर फैक्टर सो स्टूडेंट्स फॉर पावर फैक्टर समटाइम फार्मूले में पावर भी आ रही होती है जैसे कर्नाटक एनर्जी टू हाफ एम वीर तो वी के ऊपर पावर आ गई तो इस किस्म के फार्मूलों को आप एरर कैसे निकालेंगे उसके लिए रूल हमें ये कहता है कि पावर इज मल्टीप्लाइड विद परसेंटेज परसेंटेजेंटी रूल ये कहता है कि पावर इज मल्टीप्लाइड विद परसेंटेज uncertainty तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं सपोज करें हमारे पास एक सफ़ीर है जिसका रेडियस है 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर तो आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स के ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है बड़ा सिंपल है ये आज का आंसर देखें ज़रा वर्नियर कैलीपर का लीस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर और हमें ये पता है कि पहले वाली वैल्यू मयड वैल्यू होती है और ये होता है लीस्ट काउंट सो इट मीन्स वर्नियर कैलीपर यूज़ किया गया है। अब बताएं वॉल्यूम ऑफ द सफियर में कितने परसेंट एरर है तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू फोर बाई थ्री पाई आर तो हमने अगर इसमें एरर निकालना है तो क्या करेंगे बेटा परसेंटेज इक्वल टू ये थ्री शुरू में आ जाएगा ये अब कॉन्स्टेंट को छोड़ दें तो थ्री इन टू परसेंटेज एंसर इन आर तो जो भी पावर होगी वो उसके परसेंटेज एंसर से मल्टीप्लाई होनी है उस वैल्यू की जिसके ऊपर वो पावर है सो आर की पहले परसेंटेज निकाल लें अंसर उसका भी बेसिक रूल वही है लीज काउंट और मैय वैल्यू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सो आप जरा लीज काउंट को जीरो पॉइंट जीरो वन को ऊपर रखें टू पॉइंट टू फाइव को नीचे मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो इसका रिजल्ट आता है तकरीबन जीरो पॉइंट फोर परसेंट सो अगर आप ये वैल्यू इधर पुट करते हैं तो वॉल्यूम में जो एरर आएगा दैट इज़ थ्री इंटू जीरो पॉइंट फोर परसेंट तो आ जाएगा वन पॉइंट टू परसेंट तो आप इधर कंफ्यूज नहीं होना कि हम कभी अंसर ट्वेंटी कह रहे हैं कभी एरर कह रहे हैं बिकॉज ये दोनों एक ही चीज़ है परसेंटेज अनसर ट्वेंटी ही परसेंटेज एरर है तो एक ही बात है ये तो इस तरह स्टूडेंट्स आप वॉल्यूम में भी अनसर टेंटी कैलकुलेट कर सकते हैं सो so, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनसर इन द एवरेज वैल्यू अब हम उसकी तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है एवरेज वैल्यू के एवरेज वैल्यू में हम कैसे एरर फाइंड करेंगे तो सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि फाइंड एवरेज एवरेज फाइंड करें एवरेज फाइंड करने के लिए आपके पास कोई डाटा होना चाहिए तो एक एम करते हैं प्रैक्टिस के लिए सपोज करें आप, आप आपके पास जो नंबर अवेलेबल हैं दैट इज 1.20 1.22 1.21 1. थर्ड नंबर है इसके बाद 1.19 फिर 1.22 एंड 1.21 तो ये सिक्स नंबर का डेटा है तो सबसे पहले हम इसकी एवरेज फाइंड करते हैं एवरेज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स बड़ा इजी वे है कि सबको ऐड करके आप सिक्स पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1.20 पॉइंट टू ज़ीरो प्लस वन पॉइंट टू टू प्लस वन पॉइंट टू थ्री प्लस वन पॉइंट वन नाइन प्लस वन पॉइंट टू टू प्लस वन पॉइंट टू वन डिवाइड बाई सिक्स तो इसका आंसर आ जाता है वन पॉइंट टू वन कोई भी यूनिट जो मिलीमीटर है तो ये भी मिलीमीटर में आ जाएगा अब इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है सेकेंड स्टेप है फाइंड डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू एवरेज को मीन भी कहते हैं और डेविएशन का तरीका ये है फाइंड करने का कि आप मैक्सिमम रीडिंग में से मिनिमम को माइनस करेंगे चाहे मैक्सिमम डाटा वाली हो या एवरेज हो तो कंपैरिजन आपने क्या करना है वन बाय वन डेविएशन लेनी है मीन वैल्यू की और एवरेज वैल्यू की तो सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास वन और एवरेज क्या है वन तो ये ज़्यादा है 1.21 में से 1.20 माइनस करें तो डेविएशन आ जाएगी आपके पास डेविएटेड वैल्यूज क्या आएंगी फर्स्ट केस में 0.01, इसके बाद सेकंड नंबर है हमारा 1.22, और इसका भी कंपैरिजन इसी मीन वैल्यू से ही करना है आपने हमेशा तो ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है तो इसमें से आप इसको माइनस करें तो ये भी 0.01 आ जाएगा थर्ड वैल्यू है 1.23, इधर है 1.21, इसमें से इसको माइनस करें 0.02 आ जाएगा ये 1.19 है ये 1.21 है डिफरेंस लें 0.02 आ जाएगा ये 1.22 ग्रेटर है इसको इसमें से माइनस इसमें से इसको माइनस करें तो 0.01 ये सेम है तो आंसर 0.00 00 जीरो जीरो को भी लिखना है आपने कैंसिल नहीं करना वरना आपका रिजल्ट डेविएट कर जाएगा अच्छा उसके बाद आप अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे लास्ट स्टेप ये जो डेविएटेड वैल्यू आई हैं, इनकी दोबारा से एवरेज ले लें मीन ले लें दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू यानी एरर इन द एवरेज वैल्यू तो आप इनको दोबारा से एवरेज कर लें सो अनसर्टेनिटी आ जाएगी इनको ऐड करके सिक्स पे डिवाइड कर दें डेविएटेड वैल्यूज को जीरो पॉइंट जीरो वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो पॉइंट जीरो टू प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो ओवर टू तो ये भी आई थी आपके पास जीरो पॉइंट जीरो वन डिवाइड बाय सॉरी सिक्स नॉट टू बिकॉज दिज आर सिक्स रीडिंग्स तो ये जो जीरो पॉइंट जीरो वन आया है ये एरर है किसमें एवरेज वैल्यू के अंदर तो अब अगर आप इसकी क्वेश्चन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे 1.21 एवरेज वैल्यू है प्लस माइनस 0.01 ये इसका एरर है सो दिस इज मेयर्ड वैल्यू आ गई एंड दिस वन इज लीज एरर तो इस तरह बेटा आप एवरेज वैल्यू की भी अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अब लास्ट हमारा सब टॉपिक है आज के लेक्चर का दैट इज अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट आप बहुत से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसमें हमें टाइम मेजर करना पड़ता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम तो वो भी एक स्टाफ वॉच से डेफिनेटली आप यूज करेंगे तो उसमें भी एरर होता है तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि आप ज़्यादा रेडी वाइब्रेशन हमेशा लेते हैं टाइम पीरियड कैलकुलेट कर, करने के लिए टाइम पीरियड क्या होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन तो वो क्यों करते हैं ये भी आपको यहाँ पे पता चलेगा स्टूडेंट्स तो सपोज करें हमारे पास एक पेंडुलम है जिसका ट्वेंटी वाइब्रेशन का टाइम है या थर्टी वाइब्रेशन का टाइम है फिफ्टी फोर पॉइंट सिक्स सेकेंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है थर्टी और जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने ये मेजरमेंट ली उसका लीस्ट काउंट है 0.1 पॉइंट सेकेंड तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी टाइम की 54.6 प्लस माइनस 0.1 पॉइंट सेकेंड इसमें ये आपके पास आ गया मयड वैल्यू और ये लीस्ट काउंट अब स्टूडेंट्स टाइम पीरियड अगर हमने निकालना है तो टाइम तो एक वाइब्रेशन का होता है टाइम पीरियड तो हम क्या करेंगे इस टोटल टाइम को 30 से डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड की क्वेश्चन आ जाएगी 54.6 ओवर 30 प्लस माइनस लीस को उनको भी 30 से डिवाइड करें क्योंकि ये एरर 30 वाइब्रेशन के अंदर है और हम एक वाइब्रेशन के अंदर देखना चाह रहे हैं उसको 30 से डिवाइड करें तो टाइम पीरियड जो है स्टूडेंट्स वो तो सिंगल वाइब्रेशन का टाइम है तो टाइम पीरियड की इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं इसको टोटल टाइम को 30 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये एक वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा साथ ही आपको लीस्ट कौन को भी 30 से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज ये जो एरर है ये पूरी थर्टी वाइब्रेशन में है और टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन का टाइम है तो आपको एरर भी वन वाइब्रेशन का चाहिए इसलिए हम इसको थर्टी से डिवाइड करते हैं तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 1.86 प्लस माइनस 0.003 सेकंड। तो इसका मतलब है ये एरर देखें मिनिमाइज हो गया है, एज कंपेयर टू दिस तो जितनी ज्यादा आप वाइब्रेशन देंगे उतना एरर मिनिमम होगा तो इसमें मेन बात क्या है कि जब भी आपको टाइम पीरियड के अंदर अंदर कैलकुलेट करनी हो तो स्टूडेंट्स आपने उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करना है तो अब यहां से स्टूडेंट्स ये यू के पास पेपर्स में से हम एक क्वेश्चन देते हैं इन सब का कंबाइंड इफेक्ट होगा जो कहते हैं इन एन एक्सपेरिमेंट द अंसर इन द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज टू परसेंट तो रजिस्टेंस की वैल्यू में जो परसेंटेज अंसर है दैट इज टू परसेंट अंसर इन द पोटेंशियल डिफरेंस सेम रजिस्टर इज वन परसेंट यानी परसेंटेज वी जो है दैट इज वन परसेंटी पावर लॉस ऑफ द रजिस्टर इज तो स्टूडेंट पावर लॉस जो होता है दैट इज पावर लॉस तो परसेंटेज पावर लॉस में आपने फाइंड करनी है उसका फार्मूला आपको आना चाहिए फार्मूले के बगैर आप नहीं कर सकते पहले तो फार्मूला होता है बेटा P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर पावर लॉस का ये पार्ट टू में आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर ट्वेल्व में तो रूल के मुताबिक परसेंटेज P बराबर होगी यहाँ पे V के ऊपर पावर है तो टू इन टू परसेंटेज वी प्लस आर डिवाइड हो रहा है तो परसेंटेज आर यानी परसेंटेज असर की सिंपल ऐड होगी ये रूल था आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का तो स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू पुट करें टू इंटू वन परसेंट प्लस टू परसेंट तो परसेंटेज असेंडेंटी पावर में आ जाएगी फोर परसेंट तो आपने फोर परसेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो स्टूडेंट दिस वाज आवर फ्री कंटेंट लेक्चर कंप्लीट चैप्टर के लेक्चर के लिए आप हमारे जो लॉगिन आईडी है वो पेड कंटेंट अवेल करें वहाँ पे आपको इसके साथ साथ टेस्ट सेशन असाइनमेंट्स और बेशुमार चीज़ें जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी वो मिलेंगे तो दिस वाज स्टूडेंट्स आवर फ्री कंटेंट लेक्चर अगर आप कंप्लीट चैप्टर का लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेड कंटेंट जो है लॉग इन आई का हमारा लें वहाँ पर आपको असाइनमेंट्स क्विज और इसके अलावा बहुत कुछ ऑप्शनस हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं और इससे आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी स्टूडेंट तो इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फ्री कॉन्टेंट के साथ दोबारा हम ज्वाइन करेंगे आपको ओके अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा